क्या करना है इन आभूषणों का, जब इस संसार का मेरे लिए कोई अर्थ ही नहीं। ये आभूषण भी तो बंधन ही है। इसे फेंकने से क्या होगा? फेंकना है तो अविद्या को फेंक। कौन है आप? कौन हूं मैं? मैं एक अवधूत हूं। अवधूत? वह जिसने उन सभी बंधनों को छोड़ दिया जो नाशवान और क्षणिक हैं, वह जो अविद्या को छोड़ आत्मा के आनंद में अवस्थित रहता है। भगवान, मैं भी उस अविनाशी और अक्षर को जानना चाहता हूं, पर मैं किस गुरु की शरण में जाऊं जो मेरा उस अक्षर और अविनाशी से साक्षात्कार करा सके? गुरु ढूंढ रहा है तो सुन, यह संसार ही गुरु है। मेरे तो 24 गुरु हैं। 24 गुरु? यदु यह धरती सभी को धारण करती है, सभी को समान रूप से आधार देती है, सभी को समान रूप से स्वीकार करो, यह मैंने धरती से सीखा। वायु मेरी दूसरी गुरु है। वायु से मैंने जाना कि साधक को वायु की तरह अच्छे और बुरे से अप्रभावित रहना चाहिए। आकाश मेरे तीसरे गुरु हैं। आकाश से मैंने जाना कि आत्मा आकाश की तरह सर्वव्यापी है, सबसे अप्रभावित, निराकार, निर्विकार, अपनी उसी अवस्था में रहता है। मेरी चौथी गुरु है आग। आग हर आहार ग्रहण करती है, हर समिधा ग्रहण करती है और उसे भस्म कर पवित्र कर देती है। आग से मैंने जाना कि ब्रह्म चिंतक को अग्नि की तरह ही आहार ग्रहण करना चाहिए। सूर्य मेरा पांचवा गुरु है। जिस प्रकार सूर्य की छाया अलग अलग पात्रों के जल में अलग अलग दिखाई देती है, उसी प्रकार यह सारी सृष्टि उसी एक आत्मा की विभिन्न छायाएं हैं। मेरा छठा गुरु कबूतर है। एक बार मैंने देखा शिकारी के बिछाए जाल में कबूतरों के बच्चे फंस गए। कुछ देर बाद उन्हें छुड़ाने के लिए घोंसले में लौटी उनकी मां भी जाल में फंस गई। उन कबूतरों से मैंने जाना कि किस प्रकार मोह विनाश को आमंत्रण देता है। अजगर मेरा सातवां गुरु है। यदु, जिस प्रकार अजगर अपने शिकार की तलाश में यहां वहां नहीं भटकता, वैसे ही ज्ञान की अभिलाषा रखने वाले को सुख के पीछे यहां वहां नहीं भटकना चाहिए। समुद्र मेरा आठवां गुरु है। जिस प्रकार समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, वैसे ही बुद्धिमान को अपनी नैतिक मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। मेरा नौवां गुरु पतंगा है। पतंगा, मूर्ख व्यक्ति इंद्रियों के सुखों की आग में कूद स्वयं को भस्म कर देता है, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञान की अग्नि में कूद अपने अज्ञान का नाश कर सीमित से असीमित हो जाते हैं। मेरा दसवां गुरु है गज। कौन? हाथी। हा? हाथी के शिकारी हाथी को पकड़ने के लिए नकली हथनी बनाते हैं या पालतू हथनी का प्रयोग करते हैं ताकि वे हाथी को लुभा सकें। साधक को काम के आवेग से दूर रहना चाहिए, यह मैंने हाथी से सीखा। मेरा ग्यारहवां गुरु शहद इकट्ठा करने वाला मधुहा। मधुमक्खी शहद इकट्ठा करने में अपना समय गंवाती है और उसका उपभोग शहद इकट्ठा करने वाला मधुहा करता है। इसलिए समय साधनों को एकत्र करने में नहीं,
स्वयं को समझने में खर्च करना चाहिए। मछली मेरी 12वीं गुरु है यदु। इस प्रकार कांटे में लगे पदार्थ के कारण मछली कांटे में फंस जाती है, वैसे ही मनुष्य प्रलोभनों के कारण संकट में पड़ता है। मेरी 13वीं गुरु है गणी का पिंगला। वही पिंगला जिसने अपने विवेक और वैराग्य से आचार्य स्थूली भद्र को भी नींद से जगाया। मेरा 14वां गुरु है एक तीर बनाने वाला। उससे मैंने जाना कि आत्मा पर एकाग्रता से ही संसार के प्रपंच को अनदेखा किया जा सकता है। मेरा 15वां गुरु छोटे बच्चे हैं यदु। छोटे छोटे बच्चे जो मान अपमान, मेरा तेरा, अपना पराया, इन सब से परे रहते हैं। मेरा 16वां गुरु चंद्रमा है। जिस प्रकार चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को ही परावर्तित करता है, उसी प्रकार यह जीवात्मा उसी एक परमात्मा का ही प्रकाश है। मधुमक्खी मेरी 17वीं गुरु है। जैसे मधुमक्खी फूलों को नुकसान पहुंचाए बिना शहद एकत्र करती है, वैसे ही आध्यात्म के पथिक को अनेक शास्त्रों से ज्ञान का रस एकत्र करना चाहिए। मेरा 18वां गुरु मृग है। उससे मैंने जाना इंद्रियों की कामना दासता का कारण होती है। बाज मेरा 19वां गुरु है। जिस प्रकार मांस के एक टुकड़े के लिए कई शिकारी पक्षी एक साथ मांस पर टूट पड़ते हैं और परस्पर लड़ते हैं, ठीक वैसे ही भौतिक सुखों की होड़ संघर्ष आमंत्रित करती है। मेरी 20वीं गुरु एक कन्या है यदु। एक बार कुछ लोग एक कन्या का हाथ मांगने उसके घर आए। उस समय उस कन्या के माता पिता घर पे नहीं थे, तो अतिथियों को आया देख उस कन्या ने भोजन के लिए धान कूटना शुरू कर दिया। अब धान कूटते समय उस कन्या के हाथ में पड़ी चूड़ियां बजने लगी। चूड़ियों के खनकने की ध्वनि से अतिथियों को परेशानी न हो, इसलिए उसने दोनों हाथों में एक एक चूड़ी रख बाकी चूड़ियां उतार दी। इस घटना से मैंने जाना कि दूसरे के होने से स्वर शब्द खटकने लगते हैं, बजने लगते हैं। इसलिए साधक को अकेले रहना चाहिए। सर्प मेरा 21वां गुरु है यदु। सर्प घर नहीं बनाता, वैसे ही अध्यात्म के पथिक को अनिकेत रहना चाहिए। मकड़ी मेरी 22वीं गुरु है। जैसे मकड़ी अपने जाल की रचना करती है, उसमें विचरण करती है और अंत में उसे ही निगल लेती है, वैसे ही आत्मा अपने संसार की रचना करता है, उसमें विचरण करता है और अंत में यह संसार उसी में विलीन हो जाता है। यदु इल्ली मेरी 23वीं गुरु है। इल्ली लगातार भ्रमर की ओर देखती रहती है। यह निरंतर भ्रमर की ओर ध्यान इल्ली को भ्रमर में परिवर्तित कर देता है। गुरु और शिष्य की चेतना का यह संबंध मेरा 23वां गुरु है। मेरा 24वां गुरु जल है। जल सबकी प्यास बुझाता है। मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सभी को जीवित रखता है और हमेशा सबसे निचली जगह पर रहता है, हैं? वैसे ही बुद्धिमान को भी हमेशा सबसे नगण्य स्थान ग्रहण करना चाहिए। क्या है आत्मा का रहस्य? क्या वह धन